दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी को एक एक करके जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उनके बारे में जो डिटेल जीके होगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए और आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। और इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन अपना आज का ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि देश को समर्पित की गई है, हमको बताना है कि इस समाधि का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदैव अटल, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहां पर सही है। ठीक है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि का अनावरण किया गया है उसका नाम रखा गया है सदैव अटल। ये जो समाधि है ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो यहां से आपको बस इतना याद रखना है, इस समाधि का नाम याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, और एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है इसी वीडियो में आगे, तो आप लोग जो है वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जो है उस क्वेश्चन में डिटेल्स आपको इनके बारे में बताऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से अगले कितने वर्षों में सभी बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका सही आंसर है 3 वर्षों में। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है जो कि 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगी, और इसके तहत जो है सभी जो बिजली मीटर हैं उनको स्मार्ट प्रीपेड बनाया जाएगा। इससे होगा क्या कि जो भी हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं वो मतलब उसका हम निर्धारित भुगतान कर सकते हैं, जितनी भी हमें इस्तेमाल करनी होगी बिजली उतना ही जो है हम भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है मैन्युअली हम लोग सब चीज़ करते हैं, जब बिजली का जो है मीटर देख के हम लोग रीडिंग नोट करते हैं, उसके बाद उसको माइनस करते हैं कि हमने पिछले महीने कितनी इस्तेमाल की, इस महीने कितना हो गया, उसके बाद माइनस करके निकालते हैं कि इस महीने हमने इतनी बिजली इस्तेमाल की है। ठीक है, तो अब जो है ये जो एक सर्वर से जुड़ा होगा ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि हमने इस महीने कितनी बिजली इस्तेमाल की है, और हम लोग जो है इस तरीके से बिल भी जमा कर सकते हैं, तो इससे कई झंझट जो है ख़त्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो इसको यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर है BVP राव। ठीक है, BVP राव जो है वह हाल ही में तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। और इससे पूर्व जो है ये पूर्वोत्तर राज्य के तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगर बात करें BVP राव से पहले जो है वो तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कौन था, तो ये जो है विजय कुमार मल्होत्रा थे, और इनकी जगह पर जो है अब की नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो यहां से इनका नाम आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फोर्थ वाला है कि हाल ही में RBI द्वारा डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए कितनी IT कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, RBI की तरफ से डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के लिए 6 IT कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और इसमें कौन कौन शामिल है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, विप्रो, TCS और IBM इंडिया, इसी तरह से कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विस इंडिया और डन एंड बैड स्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया और माइंडरिट्री लिमिटेड जो है, मतलब कुल मिला के 6 IT कंपनियां हैं जिनको कि डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए यहां पर नामित किया गया है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। बात करें पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की, तो ये एक माध्यम है जो कि जितने भी बड़े जो है लोन प्राप्त करते हैं, जिन लोगों ने लोन ले रखा है या फिर जो डिफॉल्टर हैं लोन लेने के बाद पैसा वापस नहीं करते हैं बैंकों को, उनका जो है कह सकते हैं एक डिजिटल रूप में यहाँ पर कैप्चर रखा जाएगा। किसके अंतर्गत, डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के अंतर्गत। तो बस इतनी IT कंपनियों को जो है इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए, नाम याद रख सकते हैं, अगर ये हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं होता है याद करने की तो भी कोई बात नहीं, ये ऊपर के 3 नाम तो याद रखिएगा, विप्रो, TCS और IBM इंडिया। चलिए, इसके बाद हमारे पास RBI के बारे में हमने पढ़ा है, तो RBI के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं RBI के, भारतीय रिजर्व बैंक के। आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले जो है इस पद पर कौन तैनात थे, कमेंट करके बताइए मुझे। मुख्यालय RBI का है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 3 जनवरी 2019 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि पंजाब में। ठीक है, 3 जनवरी 2019 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन होगा वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में होगा, जो कि पंजाब में पड़ता है। ठीक है, 106वीं जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी ये, तो इस चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इसका जो विषय रखा गया है वो रखा गया है फ्यूचर इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
ठीक है, तो इस विषय पे जो है इसका आयोजन हो रहा है। इससे पहले 105वीं जो विज्ञान कांग्रेस थी, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, उसका आयोजन मणिपुर विश्वविद्यालय में हुआ था, इम्फाल में। तो इसे आपको पता होना चाहिए, 16 मार्च से 20 मार्च 2018 तक जो है इसका आयोजन किया गया था। 2019 में पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर छठा है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला मैसेजिंग ऐप बिजवाट लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान ने अभी हाल ही में अपना पहला मैसेजिंग ऐप बिजवाट लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये जो मैसेजिंग ऐप है बिजवाट, ये फेसबुक और व्हाट्सअप को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में ये दोनों ही जो है काफ़ी फेमस है और इन पर प्रतिबंध भी लगा है, तो इसकी जगह पर बिजवाट जो है यहाँ पर पहला इनका स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो इसकी राजधानी अस्काबाद है, और इसी तरीके से यहाँ की जो मुद्रा है वो है मनात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मुद्रा और राजधानी। हमने देखा तुर्कमेनिस्तान, तो ये तुर्कमेनिस्तान पड़ता कहाँ पर है ये हम मैप में देखेंगे। तो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पर देखिए ये आपको पिन किया हुआ है, और रेड कलर में यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है तुर्कमेनिस्तान पड़ता है इस चीज़ में, ठीक है। इसको हम जूम करेंगे तो इसकी राजधानी भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद चलिए, इसके बाद सातवां क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस बैंक ने कुंभ मेले 2019 के लिए एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में पीएनबी बैंक की तरफ से जो है कुंभ मेले के लिए एक स्पेशल कार्ड जो है लॉन्च किया गया है, और ये जो कार्ड है रुपए कार्ड है, और जो है बिना इंटरनेट के भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको जो लॉन्च किया गया है वो एक कह सकते हैं डिजिटल इंडिया को जो है बढ़ावा देने के लिए, और इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो भी कुंभ मेला जो आयोजन होने वाला है 2019 में, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो भी दुकानदार हैं उनको जो है आसानी हो कार्ड पेमेंट लेने में, तो इसीलिए जो है पीएनबी की तरफ से इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। इसके बाद हमारे पास आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर है 100 रुपए का, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जो है जारी किया गया है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और इनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके सुशासन दिवस जो है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो आपको बताना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। अटल बिहारी वाजपेयी को वर्ष 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से जो है ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है निधन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर से 4 पॉइंट हैं, 4 के 4 आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन है हमारा कि 24 दिसंबर को नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल की कौन सी भी वर्षगांठ की परेड का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 55वीं। 24 दिसंबर को नई दिल्ली में जो है एक परेड का आयोजन किया गया है, और ये जो परेड थी ये 55वीं वर्षगांठ के अवसर पे जो है यहाँ पर बेसिकली सशस्त्र सीमा बल की जो 55वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस वर्ष, उसके लिए जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करें तो ये केंद्रीय पुलिस बल है, और इसका जो काम है वो नेपाल और भूटान से लगी हुई जितने भी भारत की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी सशस्त्र सीमा बल की, वो 1963 में हुई थी, और इस साल 2018 में जो है इसको 55 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसी के लिए जो है इसका इस परेड का आयोजन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है सशस्त्र सीमा बल का, ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो आपको स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है ये पता होना चाहिए, बट 2 पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस नदी पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया है। तो 25 दिसंबर को बोगीबिल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और ये जो पुल है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर से आप इसका नाम भी देख पा रहे होंगे, असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पुल बना हुआ है। ये पुल देश का सबसे लंबा पुल है और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह रोड पुल है, ठीक है। तो जो है इसमें रोड भी है और रेल भी जो है गुजर सकती है इस पुल से, तो आपको पता होना चाहिए, सड़क मार्ग भी है और रेल मार्ग भी है ये पुल, ठीक है। जो पुल की लंबाई है ये 4.94 किलोमीटर है, और इस पुल का निर्माण 2002 में शुरू हुआ था, और अब 2018 में जो है इसका उद्घाटन किया गया है 25 दिसंबर को।
इसके बाद हमारे पास 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में से किसे कॉरपोरेशन बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीवी भारती। ठीक है, पीवी भारती को अभी हाल ही में 24 दिसंबर को कॉरपोरेशन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले जो है ये कैनरा बैंक में थे और अब कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे और अब जो है इनको कॉरपोरेशन बैंक में भेज दिया गया है। तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 2019 या फिर उसके बाद से जो है इनका कार्यकाल शुरू होगा और जो है आपको इनका नाम पता होना चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नई नियुक्तियां होती हैं उनके बारे में अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। पश्चिम बंगाल को इस बार जो है 31 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। जो भी इसकी जो विशिष्ट परियोजनाएं थी जिनको इसने सफलतापूर्वक लागू किया, सॉरी सफलतापूर्वक जो है पूरा किया, और कुछ योजनाएं थी जिनको जो है सफलतापूर्वक लागू किया गया, उनके लिए जो है 31 स्कॉच अवार्ड पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुए हैं। स्कॉच अवार्ड की अगर बात करें तो ये प्रतिवर्ष स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिए जाते हैं और ये जो भी विभिन्न परियोजनाएँ हैं या फिर मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दीपाली बोरठाकुर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर है संगीत। ठीक है, दीपाली बोरठाकुर जो है संगीत से संबंधित थी, 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। असम की प्रसिद्ध गायिका थी ये। ओके, याद रखिएगा कि इनको जो है असम की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। 1998 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो असम में जो है इनका काफ़ी नाम था और 77 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर को इनका निधन हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हैं कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। आता होगा तो कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो उसका सही आंसर है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि जो पुरस्कार है ये इनके सार्वजनिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको प्राप्त हुआ है। तो बस सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल से कोई मतलब नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए किसको मिला है। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में ICICI बैंक ने वर्ष 2019-2020 में GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो ICICI बैंक की तरफ से GDP में जो है 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है वर्ष 2019-2020 के लिए। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके के जो अनुमान है वो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा समय समय पर लगाते रहते हैं और मैं आपको बताता भी रहता हूँ, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, लगभग इतना ही रहता है। अगर किसी ने 7 बोला है तो कोई 7.1 बोल देगा, कोई 7.2 बोल देगा। तो इसी तरीके से ICICI बैंक ने 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया है वर्ष 2019-2020 GDP में। इसके बाद ICICI बैंक की जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके MD और CEO जो है वो हैं श्री संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, तो ICICI बैंक का अक्सर जो है ख्याल आपका ही टैगलाइन जो है आपको बैनर वगैरह में दिख जाता है, तो इसको पूरा याद रखिएगा। एग्जाम में अगर सिर्फ हम हैं ना भी अगर आता है तो भी आप कर लीजिएगा, और ख्याल आपका है अगर आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूरी टैगलाइन यही है। 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितने विकास बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 नए विकास बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी गई है और ये जो विकास बोर्ड हैं वो बुंदेलखंड और पूर्वांचल विकास बोर्ड है। ठीक है, अगले 3 सालों के लिए जो है इनको मंजूरी दी गई है, इनकी स्थापना की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बोर्डों की अध्यक्षता करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी एजेंसियों को फ़ोन और कंप्यूटर डाटा की जाँच हेतु अधिकृत किया है। तो इसका सही आंसर है 10। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से 10 एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था का फ़ोन या फिर कंप्यूटर डेटा की जांच करने की जो लिए जो है 10 जांच एजेंसियों को जो है यहाँ पर अधिकृत किया गया है। ठीक है, उनके नाम मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन वो जो है इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ये जो प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का फ़ोन या फिर कंप्यूटर डेटा की जाँच कर सकती हैं संस्थाएँ, वो IT एक्ट की धारा 69 के तहत की गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ सब पता होना चाहिए। धारा याद रखिएगा और कितनी जाँच एजेंसियों को यहाँ पर
जो है अधिकृत किया गया है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि हाल ही में वरिष्ठ नेता निरुपम सेन का निधन हो गया, हमको बताना है कि किस पार्टी से संबंधित थे, तो वो माकपा से संबंधित थे, ठीक है। माकपा के जो है एक प्रतिष्ठित नेता थे ये, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, तो याद रखिएगा। और ये जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। 24 दिसंबर को जो है इनका निधन हो गया था, और इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1946 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास 19वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा रैंकिंग में किस टीम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, तो बेल्जियम को अभी हाल ही में फीफा ने रैंकिंग जारी की है 20 दिसंबर को, और इसमें बेल्जियम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। फ्रांस इसमें दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। तो फीफा की तरफ से समय समय पर इस तरीके की रैंकिंग जारी की जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत अपडेट रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, तो यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा, 20 दिसंबर को ये रैंकिंग जारी की गई थी। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है हमारा कि देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य से बाहर व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। महाराष्ट्र ने जो है मतलब राज्य से बाहर ऐसा पहला राज्य बन गया है ये जिसने कि राज्य से बाहर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है, 6 प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। और याद रखिएगा कि जो ये प्रतिनिधि हैं ये मतलब विभिन्न राज्यों में नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कि दिल्ली हो गया, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल राज्य हैं, और इनमें जो है महाराष्ट्र के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। ये जो है वहाँ पर देखेंगे कि व्यापार जो है किन किन स्थानों पर करना उचित रहेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व जो है महाराष्ट्र सरकार को मिल सके, ठीक है, या फिर कह सके कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो बस इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा, और राज्यों के नाम आप याद रख सकते हैं किन किन राज्यों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई है। इसके बाद कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कई लोगों ने जो है इसका आंसर नहीं दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं। भारत के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे श्रीनिवासन रामानुजन, इनकी याद में जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। केन्या की मुद्रा क्या है, मैंने आपसे पूछा था सेकंड क्वेश्चन, तो केन्या की मुद्रा क्या है, सिलिंग, ठीक है, केन्या की मुद्रा सिलिंग है, और नैरोबी जो है यहाँ की राजधानी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्नों की। आपके लिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो बताइए मुझे कि इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में लॉन्च चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो चेंजिंग इंडिया नामक एक पुस्तक लॉन्च हुई है अभी जल्दी में ही, तो उसका संबंध किससे है आपको ये कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आपको पसंद आई लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।